फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन सुतार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसेनगर से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर के बारे में, कि क्या डिफरेंस होता है कंपोजिशन डीलर में और एक रेगुलर डीलर में, और क्या क्या कंडीशन दोनों पर अप्लाई होती है। तो ये सब कुछ आज हम बेसिक जानकारियों के बारे में हम बात करेंगे, ताकि एक टैली या एक अकाउंट्स के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट को कम से कम इतना नॉलेज तो होना जरूरी है। और जीएसटी की टैक्स की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, कंपोजिशन डीलर किस तरीके से करते हैं और रेगुलर डीलर किस तरीके से करते हैं, ये भी हम अच्छी प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर भी आप जरूर कर देना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो टेली, बीजी और अकाउंटिंग से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जब भी हम टेली, ईआरपी एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, और क्रिएट करने के जस्ट बाद जो हमारा पहला वर्क होता है जीएसटी को इनेबल करना। और जीएसटी को इनेबल करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F11, और F11 के बाद ट्रेजरी एंड टैक्सेशन के ऑप्शन पर हम इंटर प्रेस करते हैं, और हमें पहला ही ऑप्शन हमें देखने को मिलता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी। इसे हम इनेबल करते हैं और इसकी जो डिटेल है इसे भी हम इनेबल करते हैं। तो जैसे हम जीएसटी इनेबल करते हैं तो हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है रजिस्ट्रेशन टाइप, और इसमें हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं कंपोजिशन और रेगुलर, और इस पर जो लिखा होता है रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी कि जो आपने कंपनी क्रिएट करी है ये कंपनी कंपोजिशन डीलर में रजिस्टर्ड है या रेगुलर डीलर में रजिस्टर्ड है। अब ये कंपोजिशन और रेगुलर डीलर में क्या डिफरेंस होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, स्टेप टू स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से इसकी कहानी समझ में आ जाए। तो फ्रेंड, जब भी कोई नया बिजनेसमैन जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके सामने दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, कंपोजिशन या रेगुलर। दोनों की जीएसटी नंबर में अप्लाई करने का, जीएसटी फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया वो दोनों की सेम है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, भी आप कंपोजिशन में रहना चाहते हो या रेगुलर की स्कीम में आना चाहते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम स्टेप टू स्टेप समझते हैं। पहला जो कंपोजिशन डीलर के लिए जो एक मैक्सिमम जो लिमिट है टर्नओवर की वो 1.5 करोड़ की है, यानी कि कंपोजिशन डीलर में कोई डीलर अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है जीएसटी के दौरान, तो उसके जो सेल है एक साल की वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1.5 करोड़ तक ही कर सकता है। अगर बात करें रेगुलर डीलर की, तो रेगुलर डीलर वाला की उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, वो चाहे 1 रुपये की सेल करे चाहे वो 50 करोड़ की सेल करे, उसमें किसी भी टाइप की कोई पाबंदी नहीं है सेल की। पॉइंट नंबर अगर दो की बात करें, फिर टैक्स रेट एप्लीकेबल, यानी कि कौन से डीलर पे कितने परसेंट का टैक्स है जो चार्ज लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन डीलर की, भी कंपोजिशन डीलर में अगर कोई दुकानदार भी ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहता है, यानी कि वो केवल रेडीमेड गुड्स परचेज करेगा और AGTG उसको सेल कर देगा, तो उसको जितना उसने टैक्सेबल सेल करी है उस सेल पर उसे 1% का कंपोजिशन फीस देना पड़ेगा, यानी कि 0.5% CGST और 0.5% SGST टैक्स उसे देना पड़ेगा, अगर वो ट्रेडर्स के रूप में वर्क करना चाहता है तो। अगर वो बिजनेसमैन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग अगर करना चाहता है, यानी कि किसी इंडस्ट्री का काम अगर वो करना चाहता है, तो उसे कंपोजिशन टैक्स के रूप में उसे 2% टैक्स देना पड़ेगा, 1% CGST और 1% SGST टैक्स। और इसी तरीके से अगर वो रेस्टोरेंट का अगर कोई वर्क करना चाहता है तो उसे 5% की कंपोजिशन फीस जो पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, 2.5% CGST और 2.5% SGST के रूप में। अगर कोई जो बिजनेसमैन है सर्विस का अगर कोई वर्क करना चाहता है, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता है, तो उसे कंपोजिशन फीस 6% देनी पड़ेगी, 3% CGST और 3% SGST। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक लिमिटेशन यहाँ पर है, कि वो एक साल के दौरान 50 लाख तक ही सर्विस दे सकता है, अगर इससे ज़्यादा दे सकते हैं तो उसे रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। और बाकी की जो टर्नओवर है, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ ही अप्लाई है। अगर हम बात करें रेगुलर डीलर की, तो रेगुलर डीलर के अंदर जो जीएसटी की जो टैक्स रेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स कर रखी है, वो चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस करें, चाहे वो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है चाहे मैन्युफैक्चरिंग है चाहे सर्विस है, उसमें जो नॉर्मल टैक्स रेट जो चल रही है
5% की, 12% की, 18% की या 28% की, वो ही उस पर लागू रहेगी। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस कंपोजिशन का जो डीलर होता है वो कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता, यानी कि उस सेल्स इनवॉइस में जो कस्टमर को उसने सामान सेल किया है उस इनवॉइस के अंदर वो जीएसटी 1% नहीं लगा सकता या 2% नहीं लगा सकता। यानी कि जिस टाइप के बिजनेस में वो रजिस्ट्रेशन है, यानी मान लीजिए वो ट्रेडर्स का बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, तो जो 1% कस्टमर जो टैक्स गवर्नमेंट को देना है वो कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता, यानी कि सेल्स इनवॉइस में वो नहीं लगा सकता। और यही रेगुलर डीलर वो टैक्स इनवॉइस में कस्टमर को सेल्स बिल में जीएसटी लगाएगा, यानी कि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी या आईजीएसटी हम चार्ज करते हैं कस्टमर से, वो बिल्कुल उस इनवॉइस के ऊपर लिखा होगा। लेकिन कंपोजिशन डीलर है वो नेट अमाउंट का ही इनवॉइस देगा, वो जो 1% देना है वो अपने पॉकेट से अपने बाद में गवर्नमेंट को देगा, वो कस्टमर से इनवॉइस में चार्ज नहीं कर सकता। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इंटरस्टेट सेल नॉट अलाउड। यानी कि जो कंपोजिशन का जो डीलर होता है वो केवल अपने स्टेट में ही सेल कर सकता है, वो अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट के अंदर वो सेल नहीं कर सकता। और रेगुलर डीलर इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों में उसको अलाउड है, यानी कि वो अपने राजस्थान में भी सेल कर सकता है और राजस्थान से किसी दूसरे स्टेट के अंदर भी अपना सामान है जो सेल कर सकता है। लेकिन कंपोजिशन के लिए एक पाबंदी है भी, वो केवल राजस्थान में ही सेल कर सकता है, राजस्थान से बाहर के किसी अदर स्टेट में वो अपना सामान नहीं बेच सकता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें भी, अगर हम बात करें लेजर्स की, जो कंपोजिशन का जो डीलर होता है उसे बुक्स में केवल दो टाइप के ही लेजर बनाने पड़ते हैं, यानी कि जीएसटी टैक्स पेड परचेज सेल का और जीएसटी टैक्स फ्री परचेज सेल का। अगर बात करें रेगुलर डीलर की, तो बुक्स में से जीएसटी से संबंधित लगभग सारे लेजर उसको क्रिएट करने पड़ते हैं। तो 5 टाइप के तो उसके ट्रेडिंग के लेजर हो जाएंगे, जैसे कि जीएसटी का गुड्स का परचेज सेल हो गया, जीएसटी 5% की गुड्स परचेज सेल हो गया, जीएसटी 12% का हो गया, 18 का हो गया या 28% की गुड्स परचेज और सेल होगी। और उसके बाद में जो टैक्स के जो लेजर है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, वो भी उसे अपने बुक्स में मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें इसकी जीएसटी रिटर्न्स की, तो कंपोजिशन का जो डीलर होता है वो साल में 5 रिटर्न फाइल करेगा, यानी कि वो क्वार्टर रिटर्न फाइल करेगा सीएमपी 08 में, और वो 3-3 महीनों से करेगा, तो यानी कि साल में 4 बारी, और एक वो अपनी वार्षिक रिटर्न यानी कि एनुअल रिटर्न टाइम करेगा 1 टाइम, तो टोटल ये 5 रिटर्न होगी। और इसी तरीके बात करें हम रेगुलर डीलर की, तो रेगुलर डीलर को पूरे साल में 25 रिटर्न तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें GSTR1 होता है वो भी मंथली जाएगा, यानी कि एक महीने में एक रिटर्न, तो पूरे साल में 12 टाइम उसको रिटर्न तैयार करनी पड़ेगी GSTR1 की। और इसी तरीके से GSTR3 भी, वो भी एक मंथली देनी होती है, वो भी एक महीने में एक बार, तो साल में 12 बार। और इसी तरीके से एक एनुअल रिटर्न, वो भी जीएसटी के यानी कि रेगुलर डीलर को बनानी पड़ेगी 1 टाइम। तो इस तरीके से 12 रिटर्न GSTR1 की और 12 रिटर्न GSTR3B की और एक एनुअल रिटर्न, तो इस तरीके से टोटल ये 25 रिटर्न्स जो एक रेगुलर डीलर को तैयार करनी होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहता है वो रहता है टैक्स क्लैरिटी का, यानी कि कंपोजिशन डीलर है वो टैक्स किस तरीके से भरेगा और रेगुलर डीलर है जो टैक्स किस तरीके से गवर्नमेंट को पे करेगा। तो बात करते हैं कंपोजिशन डीलर की, तो कंपोजिशन डीलर की अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो जीएसटी टैक्स पेड ऑन जीएसटी टैक्सेबल प्रोडक्ट, यानी कि 1%, 2%, 5%, 6%, यानी कि एज पर टाइप ऑफ बिजनेस, जिस टाइप के बिजनेस में वो रजिस्ट्रेशन है उस हिसाब से वो अपना टैक्स पेड करेगा अपनी टैक्सेबल प्रोडक्ट के सेल पे। यानी कि कोई कंपोजिशन डीलर है, उसने 500 रुपये का सामान तो बेचा है टैक्स पेड वाला जिसपे जीएसटी लगती है, और 500 रुपये का बेचा है टैक्स फ्री का जिसपे जीएसटी नहीं लगती है, तो उसे 1000 रुपये पे टैक्स पेड नहीं करना, जबकि उसको ओनली जो 500 रुपये का जो टैक्स पेड वाला जो सामान उसने सेल किया यानी कि जिसपे जीएसटी लगती है। अब जीएसटी चाहे 5% की लगती हो, चाहे वो 12 की लगती हो, चाहे 18 की लगती हो, चाहे वो 28 की लगती हो, उसे जो टैक्स देना है वो केवल, अगर वो ट्रेडर्स का बिजनेस है तो उसे 1% देना पड़ेगा, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रोडक्ट है तो 2% देना पड़ेगा, अगर वो कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो 5% देना पड़ेगा, अगर वो सर्विस है तो 6% का टैक्स उसे देना ही पड़ेगा, अगर 1% है तो 0.5 CGST और 0.5 SGST टैक्स उसको देना पड़ेगा टैक्सेबल सेल पे। और उसे नो बेनिफिट इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो कंपोजिशन डीलर ने
अपने सप्लायर से जो माल परचेज किया है और उस पर जो टैक्स लग के उसे आया है परचेज इनवॉइस में, उसका उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें रेगुलर डीलर की, तो इसकी जो टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो टैक्स पेड होता है, वो डिफरेंस बिटवीन इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स, यानी कि जितना टैक्स उसने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया है अपने परचेज इनवॉइस के अनुसार, और जितना टैक्स उन्होंने अपने कस्टमर से ले लिया है सेल्स बिल पे, अगर इनपुट टैक्स ज़्यादा है आउटपुट कम है तो उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनपुट टैक्स कम है और आउटपुट ज़्यादा है तो जितना डिफरेंस ज़्यादा है वही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा, और इससे इनपुट टैक्स का क्रेडिट है जो अलाउ रहेगा, यानी कि जितना इसने अपने परचेज के ऊपर जितना टैक्स पेड किया है उसका इसे इनपुट का क्रेडिट मिल जाएगा। अब ये इनपुट और आउटपुट किस तरीके से मिलेगा, हम इसको एक अच्छी प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं एक्सेल फाइल में। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक एक्सेल शीट में दो अलग अलग कॉलम में इसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। तो फ्रेंड, ये इनपुट टैक्स क्या होता है, टैक्स पेड ऑन गुड्स व्हेन गुड्स परचेज बाय अस, यानी कि जब हम किसी कंपनी से जो सामान हम खरीदते हैं उस पर जो हमने टैक्स दिया है वो हमारे लिए इनपुट टैक्स है। और आउटपुट टैक्स, टैक्स चार्ज ऑन सेल फ्रॉम कस्टमर, यानी कि जो हमने हमारे कस्टमर को जो सामान सेल किया है और उस सेल पे यानी कि उस इनवॉइस पे जो हमने टैक्स चार्ज किया है वो हमारे लिए आउटपुट टैक्स है। अब इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की हम पहचान कैसे करेंगे, हम इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये हमारे सामने एक टैक्स इनवॉइस है विजय ट्रेडिंग कंपनी का, यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी ने श्री श्याम ट्रेडर्स को इनवॉइस जारी किया, यानी कि ये सेलर है और ये परचेजर है, यानी कि श्री विजय ट्रेडिंग कंपनी ने श्री श्याम ट्रेडर्स को सामान सेल किया है, और जब सामान सेल किया है तो उसने 4650 रुपये 48 पैसे का टैक्स भी चार्ज किया है, यानी कि जो हमारी इनवॉइस की जो नेट वैल्यू है 38,018 रुपये। लेकिन उस सामान की अगर बेसिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो बेसिक वैल्यू है उस सामान की वो हमारी 33,268 रुपये है, और उसमें हमारा टैक्स लगा हुआ है 4650 रुपये 48 पैसे का, इसमें से यानी कि 2325 रुपये 24 पैसे हमारा CGST है और 2325 रुपये 24 पैसे हमारा SGST है। अगर बात करें इनपुट और आउटपुट की, तो ये विजय ट्रेडिंग कंपनी के लिए तो आउटपुट रहेगा और श्री श्याम ट्रेडर्स के लिए इनपुट हो जाएगा, क्योंकि विजय ट्रेडिंग कंपनी सेल करने वाला है, तो सेल जो सेल करने वाला होता है उसने जो अपने इनवॉइस पे जो टैक्स लगाया वो उस कंपनी के लिए आउटपुट होता है। अब मान लीजिए हमने किसी पार्टी से 1,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा है और उस प्रोडक्ट पे 5% का टैक्स लगता है, यानी कि 1,000 रुपये उसकी टैक्सेबल वैल्यू है। अगर उस पर अगर टैक्स की बात करें हम तो उस पर टैक्स हमारा लग जाएगा, अगर इंटू 5% हम करें तो यानी कि 50 रुपये जो टोटल इनवॉइस की जो नेट वैल्यू बनेगी वो टैक्सेबल वैल्यू और प्लस टैक्स जोड़ के 1,050 रुपये बनेगी, यानी कि ये हमने सामान खरीदा 1,050 रुपये का, इसमें हमने टैक्स के रूप में 50 रुपये दे दिए हैं और सामान की एक्चुअल कीमत है 1,000 रुपये है। अगर हम बात करें इसकी सेल की, सपोज करो ये सामान हमने 700 रुपये में अभी सेल किया है और डिफरेंस स्टॉक अभी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो अगर हम 700 का अगर 5% की अगर बात करें यानी कि 35 रुपये हमने कस्टमर से चार्ज किया है अपने सेल्स इनवॉइस पे, तो अब टैक्स लायबिलिटी की अगर हम बात करें यानी कि हमने 50 रुपये तो ऑलरेडी टैक्स पेड कर चुके हैं गवर्नमेंट को जब हमने गुड्स परचेज किया था टैक्सेबल, और ये 35 रुपये हमारी लायबिलिटी बन चुके हैं, ये हमें गवर्नमेंट को भी देना है, तो अब हमें देने की गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने गवर्नमेंट को देने तो है 35 रुपये, लेकिन हम गवर्नमेंट से मांग कितने रहे हैं 50 रुपये। अगर इनमें डिफरेंस की अगर बात करें तो अब अभी तक हम 15 रुपये गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, यानी कि हमारा 15 रुपये एक्सेस गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट है, तो हमें अभी भी टैक्स जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें कंपोजिशन डीलर की, मान लीजिए कंपोजिशन डीलर ने भी 1,000 रुपये का सामान परचेज किया है और उस पर उसने 50 रुपये का टैक्स दिया है, तो टोटल इनवॉइस की वैल्यू रहेगी 1,050 रुपये की। अगर वो इसी सामान को सेल करता है 700 रुपये में, तो अब उसको 700 रुपये के 1% का उसको टैक्स देना पड़ेगा। 700 का अगर हम 1% की अगर हम बात करें इंटू 1%, तो यानी कि 7 रुपये, अब उसको 7 रुपये का टैक्स है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा, उसको इस 50 रुपये का जो टैक्स पेड कर चुका है वो, इसका उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा।
यानी कि जो हमारी कंडीशन थी वो ये थी भी जो रेगुलर डीलर होता है उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है और जो कंपोजिशन डीलर होता है उसको इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो नहीं मिलता। तो इस तरीके से अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस की, अगर ये गुड्स रेगुलर डीलर अगर इसको 1200 रुपये का अगर सामान इसको सेल करता है तो इसका आउटपुट बनेगा 60 रुपये, यानी कि अब उसके 10 रुपये की लाइबिलिटी बन चुकी है टैक्स जमा करवाने की, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट है 50 रुपये और कस्टमर से ले लिए 60 रुपये, जो डिफरेंस है ये 10 रुपये ये हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर ये कंपोजिशन डीलर अगर इसको 1200 रुपये का अगर कोई सेल करता है तो उस कंपोजिशन डीलर को 12 रुपये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। तो यानी कि टैक्स की लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो जो रेगुलर डीलर होता है वो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस जमा करवाता है और कंपोजिशन डीलर जो उसने टैक्सेबल सामान किया है उस टैक्सेबल सामान पे 1% का कंपोजिशन उसको परसेंट का कंपोजिशन टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, इस पे ये कोई मायने नहीं रखता भी वो प्रोडक्ट 5% का है या 12% का या 18 का या 28 का है, उसको कंपोजिशन डीलर को चाहे किसी भी टाइप का परसेंटेज का वो गुड सेल कर रहा है तो 1% का टैक्स उसे जमा करवाना ही पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर बात करें, अगर हम 700 रुपये की, तो 700 रुपये पे 35 रुपये यानी कि 15 रुपये हमारी गवर्नमेंट के पास एक्सेस है तो हमें जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हमारा आउटपुट है जो इनपुट से अगर एक्सेस हो जाता है, अगर हम बात करें 1100 रुपये की तो ये 5500 यानी कि 5 रुपये हमारा एक्सेस रह गया यानी कि हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, हमने कस्टमर से 5 रुपये एक्सेस चार्जेस कर लिए हमारे इनपुट की बजाय, यानी कि अब हमारा इनपुट का लेजर है जो 50 रुपये है और आउटपुट लेजर हमारा 55 रुपये है, तो ये 5 रुपये हमारी लाइबिलिटी बन चुकी है। अगर यहाँ पे 1100 रुपये का अगर करेगा तो इस कंपोजिशन डीलर को 11 रुपये का जो टैक्स है जमा कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर भी जरूर कर देना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे भी कंपोजिशन डीलर की अकाउंटिंग टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मेंटेन की जाती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।